राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने किया संगठन कार्यकारिणी का विस्तार और सम्मान। बरेली राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोपेश अग्रवाल ने की। बैठक में चर्चा के उपरांत तय हुआ आगामी माह में इन बिंदुओं पर अधिकारियों से और सरकार से वार्ता की जाएगी, जैसे मिलावटखोरों व नकली माल बेचने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। बरेली लखनऊ हाईवे जल्द जल्द कार्य पूर्ण हो। बरेली शहर में विकास कार्य लंबे समय में पूर्ण हो। चार ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को संगठन से जोड़ा जाए। महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने महानगर में पदाधिकारियों की घोषणा के साथ इकाइयों की भी घोषणा की, जिसमें महानगर उपाध्यक्ष के पद पर आशु अग्रवाल ट्रांसपोर्ट और रचित अग्रवाल को संयुक्त महामंत्री महानगर मनोनीत किया। वही महानगर शहर विधानसभा युवा की घोषणा की गई, जिसकी अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल को मनोनीत किया। देखिए, मैं राष्ट्र जागरण युवा उद्योग व्यापार मंडल का युवा मंडल प्रभारी हूँ। इस नाते आज हमारे व्यापार मंडल में शहर विधानसभा का जो है वो युवा इकाई का गठन किया है, और आप जानते हो युवा का उल्टा जो है वो करेंगे परिवर्तित तो वायु होता है, और वायु को रोकना किसी के बस में नहीं है। ऐसे ही जो युवा हैं उन्हें युवा इकाई को हमने गठित किया है। जिन व्यापारियों के खिलाफ किसी भी तरीके का कहीं भी कोई उत्पीड़न हो रहा है या कहीं कोई मिलावटखोरी का काम कर रहा है, कोई नकली काम पैकिंग जैसे अखबारों में आपने पढ़ा कर रहे हैं, तो हम सब व्यापारी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, और जो व्यापारियों को समस्याएं हो रही हैं उसके लिए सब एकजुट होंगे। इसीलिए हमने इस व्यापार युवा इकाई का गठन किया है। सर, व्यापारी से कोई हादसे हो जाते हैं लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर व्यापारी खुद ही अपने आप से भागना पड़ता है। तो इसीलिए ये इसका गठन हम लोगों ने किया है कि जब हमारा गठन बड़ा होगा, व्यापार मंडल बड़ा होगा, तो हम जो पुलिस की कार्रवाई जो आप बता रहे हैं नहीं हो रही है, उसके लिए सारे व्यापारी मिलकर एकत्र होकर आवाज़ उठाएंगे। और मैं तो खुद ही सत्ता में हूँ, तो मैं इसमें अधिक से अधिक आवाज़ उठाऊंगा। देखिए, आज ये जो राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल है, इसने कोरोना काल में जो अपनी सेवाएं दी थी उनसे प्रभावित होकर आज शहर के तमाम ऐसे व्यापारी हैं जो हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं, और आज ये उसी का परिणाम था कि जो व्यापारी यहाँ पे हमसे जुड़े हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो संगठन से जुड़ते जाते हैं। कहा भी जाता है कलयुग में संगठन ही शक्ति है, तो आज उस संगठन की शक्ति के लिए तमाम व्यापारी हमारे से जुड़ रहे हैं, आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं व्यापारियों के साथ में रखकर उनके सुख दुख के साथ ही बने, एक परिवार की तरह से, कोई उनका शोषण ना कर सके, इस उम्मीद के साथ हम। विशाल जी, बरेली में पहले भी व्यापार मंडल कई एक है, ऐसा क्या लगा जो आपको नया व्यापार मंडल बना था? ये शायद आपके संज्ञान में नहीं है, ये व्यापार मंडल मैं कह रहा हूँ नया नहीं है, ये पुराना ही व्यापार मंडल है, व्यापारी इसमें हम नए जोड़ रहे हैं। और आपने कहा व्यापार मंडल बहुत सारे हैं, तो आपको इसमें डाल दूँ, जब परिवार बढ़ता है, जब किसी पिता के 7 पुत्र होते हैं, 5 पुत्र होते हैं, तो वो सबके लिए अपना अपना अलग घर, अपने अपने अलग नए व्यवसाय देखता है, उसी प्रकार ये व्यापार मंडल भी अपने विस्तार किया। आज बड़ा खुशी का विषय है, राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल बरेली में हमारे बहुत सारी युवा इकाई और इकाइयों के साथ लोगों ने हमारे साथ में आज ज्वाइन किया है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और हमारे व्यापार मंडल का उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न ना हो, उसके लिए हर समय हम लोग हर साथ में खड़े हुए हैं। कोई भी मिलावटखोरी या कोई भी गलत काम करने वाले को हम लोग व्यापारी मानते नहीं हैं, और हमारा ये इस खुली मन से हम ये बात कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी व्यापारी हमारे संग जुड़ेगा तो हम उसको अलग करेंगे, बल्कि हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी करेंगे। आज बहुत बड़ी टीम हमारे साथ में जुड़ी है, इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ व्यापार मंडल के अंदर, बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। इस तरह व्यापारियों को आपने संगठित किया है, इसको लेकर भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, एज सच क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो खुद ही व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा सजग है, लेकिन इसके बीच में भी कहीं पे कोई इंस्पेक्टर शाही, कोई गलत आदमी ऐसा आके उत्पीड़न करने की किसी भी व्यापारी की कोशिश करता है, तो हम लोग उसी समय सब इकट्ठे होकर तैयार हो जाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ऐसे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को हम टिकने नहीं देंगे। व्यापारी उठाने सबसे बड़े समस्या है जीएसटी को लेकर के, सरकार ने वादा किया जीएसटी एक लेगी, लेकिन आज भी बॉर्डर पे देखिए हर स्लैब में मीटिंग चल रही है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे एक बहुत बड़ी रिलीफ अभी हमको दिया गया है, ई वे बिल पे था व्यापारियों के साथ में, तो उसने कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ में कल रिलीफ दे दिया कि उनको ई वे बिल से दूर कर दिया। हम लोग अपना हर समय प्रयास करते रहते हैं, समय समय पर अपनी बात लिखते भी रहते हैं और करते भी रहते हैं, कि हमको उम्मीद है कि जीएसटी में भी हमको समय के साथ साथ रिलीफ जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।